बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल स्टे दिया था हमें और आप भी आए तो इस माय ट्रिप के थ्रू जरूर बुकिंग करें इस होटल की लेह विला। और हम अब यहाँ से जाने वाले हैं नुब्रा वैली के लिए, हमारी इनोवा आ चुकी है। इस माय ट्रिप ने बुक नहीं करवाई इनोवा, इट्स वेरी बैड। ये है हमारी इनोवा, हम इसमें जाने वाले हैं नुब्रा वैली के लिए। ये है, क्या नाम है आपका? आचुक। ये हमें ले जाने वाले है, राइट? बहुत अच्छे से सेफ। यस, ब्रेक लिया है। पूरे रास्ते कोई कैफे कुछ नहीं मिला। खारदुंगला पास पे इतनी स्नो थी तो वहाँ पे कुछ एक दो कैफे थे, वो सब बंद थे शायद स्नोफॉल की वजह से, बहुत हैवी स्नोफॉल थी। यहाँ पे हमें एक छोटा सा कैफे मिला है जहाँ पे हमने ब्रेड ऑमलेट, मैगी और चाय और एक पानी की बॉटल ये ऑर्डर की है। बहुत ठंड है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल है, मॉडरेट है। जब खारदुंगला पास में रुके थे तो बहुत ठंड थी, इतना कोल्ड था। हाँ, फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे अभी ये ब्रेक लेके कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है बहुत जोर से। तो हाँ, मैम आपका क्या चाय है ना? दो अभी चाय हो गई हमारी दो। हाँ, तो आपको पूरे रास्ते में खाने के कैफेज रेस्टोरेंट नहीं मिलने वाले, तो आप अपने साथ है ना कुछ गाड़ी में ही कैरी करके लेके चले, कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ हेल्दी स्नैक्स, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपको भूख लगे तो आप खा पाए, क्योंकि ये सब बहुत मुश्किल है मिलना। रियली डिफिकल्ट लाइफ इन लेह लद्दाख, दैट्स कॉल्ड रियल लाइफ ऑफ लद्दाख। हाँ मैम। हाँ, ये लो चाय देना। ठंडा हो गया मैम चाय तो। अरे गरम करके दे। ये है बाबू राव, चाय दी है बाबू राव। आप गणपत राय है आपके, वही फिल्म वाले हो क्या? हाँ, ये फिल्म वाला है। फिल्म क्या? फिल्म भी बनाता है। कौन सी फिल्म? शूटिंग वोटिंग कौन सा वाला शूटिंग करता है बाबू? हाँ बंगली बाबू। कौन सी मूवी बनाई आपने? चलो हम चाय पीते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, यहाँ पे बहुत सारे डॉग हैं, कितने प्यारे प्यारे पहाड़ी डॉग। काट लो इनको। क्या एक डॉग को मैं ले जाऊँ? हाँ ले जाओ, फ्री फ्री, पैसा नहीं देने से। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं नुब्रा वैली। चार बजते बजते हम पहुंचे हैं, पूरा स्नोफॉल और ये सब एडवेंचरस जर्नी को देखते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ का व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग है। ओह माय गॉड, व्हाट अ लैंडस्केप हियर। और हम नुब्रा वैली में रुके हैं। नुब्रा वैली में आके अगर आपने एटीवी राइड नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, राइट? राइट। तो हमने अभी टिकट ली है, 1000 रुपीज पर एटीवी है, तो हम लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं एटीवी राइड के लिए। ये पूरा सैंड में आपको लेके जाएंगे 4 किलोमीटर तक।
हम पहुंच चुके हैं डिस्किट मॉनेस्ट्री, जो कि लॉर्ड बुद्धा को डेवोटेड है। यहाँ पे हमारी अभी लोकल से बात हुई, उन्होंने इस मॉनेस्ट्री के बारे में बताया कि कैसे ये मॉनेस्ट्री बनी, किसको डेडिकेटेड है। ये है बुद्धा को, फ्यूचर बुद्धा। आप लोग यही रहते हैं? कहाँ पे? वहाँ उन उसमें वो सारा रहने का बना हुआ है, नीचे जो छोटा छोटा कमरा है ना, लामा लोगों का। आप वहीं रहते हैं? और यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, कोल्ड रहता है कि नॉर्मल रहता है? अभी तो थोड़ा कोल्ड हो गया है, मगर जून जुलाई अगस्त तक के लिए ना काफी अच्छा रहता है, काफी अच्छा रहता है। विंटर जैसे सर्दियाँ आती है तो उसमें कैसा हो जाता है, सर्दी रह पाते हैं यहाँ पे? रह पाते हम सब रहते हैं यहाँ, रहते हो यहाँ माइनस 15-20 तक हो जाता है। कमाल है, आप लोग यहाँ सर्वाइव कर लेते हैं, बहुत ही। तो स्नोफॉल होती है यहाँ पे बढ़िया से? स्नोफॉल होते है, कम होते हैं, मगर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे होते हैं। आज थोड़ा ठंड है तो उधर आज स्नोफॉल हुई थी पूरे रास्ते में, हम लोग आए हैं ना तो स्नोफॉल मिली है। हाँ जी, चलिए आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। इसकी कितनी खूबसूरती है, आई कांट टेल यू इन माय वर्ड्स। आप खुद देख पा रहे हो कि कैसे पूरा मतलब बादलों को टच कर रहा है, इतनी हाइट पे है ये, इतनी खूबसूरत है। लिटरली फॉलिंग इन लव विद दिस प्लेस। यहाँ पे ना एकमात्र गांव है मुझे लगता है जितनी ग्रीनरी यहाँ देखने को मिली है ना, आई डोंट थिंक सो कि ये कहीं और मिलने वाली है। पूरे रास्ते में डेजर्ट एरिया था, बट यहाँ हर जगह ये पूरा विलेज है, गांव बसा हुआ है। और हुंडर में ही हमने यहाँ पे कैमल सफारी, जो कि बहुत फेमस है, अफगानिस्तानी कैमल बोलते हैं इनको, जो कि दो कुबड़ वाले कैमल होते हैं, तो इसलिए हम सफारी के लिए आए हैं। सो लगता है पूरा डेजर्ट का आज पूरा फील लेंगे हम लोग, तो सारे यहाँ पे ऑलरेडी लोग एंजॉय कर रहे हैं। They are very cozy tents. यहाँ पे इतना खूबसूरत इन्होंने छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, काफी अच्छा है। पूरे लद्दाख में हमें लग यही एरिया था जो डिस्किट और हुंडर वाला था, जहाँ पे हमें इतनी ग्रीनरी देखने को मिली है, अदरवाइज हर जगह सूखे सूखे पहाड़ देखने को मिल रहे थे, अभी भी दिख रहे हैं वैसे, बट दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग।